नमस्कार किसान भाइयों, आज बात करेंगे थ्रिप्स के कंट्रोल की, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल जी किसान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। टिप्स के कंट्रोल के लिए ट्रॉपिकल का नैनो पोटाश तथा टैग राइट दोनों का प्रयोग करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, थ्रिप्स को कम कर सकते हैं। टेक नैनो पोटाश और टैग राइट दोनों का प्रयोग करके इन किसान भाई ने बहुत ही अच्छा परिणाम पाया है। थ्रिप्स के कंट्रोल में फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाता है। इसके शिशु और वयस्क दोनों रूप पत्तियों के कपोलों में छिपकर रस चूसते हैं, जिससे पत्तियों पर पीले सफेद धब्बे बनते हैं। यह कीट शुरू की अवस्था में पीले रंग का होता है, जो आगे चलकर काले भूरे रंग का हो जाता है। इसका जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। सर्दियों में थ्रिप्स कंद में चले जाते हैं और अगले वर्ष संक्रमण के स्रोत का कार्य करते हैं। यह कीट मार्च अप्रैल के दौरान बीज उत्पादन और प्याज कंद पर बड़ी संख्या में वृद्धि करते हैं, जिससे ग्रसित पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पत्तियां घूमी हुई जलेबी जैसी नजर आती हैं और कंद निर्माण पूरी तरह बंद हो जाता है। भंडारण के दौरान भी इसका प्रकोप कंदों पर बना रहता है। हमारे चैनल जी किसान को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।